इस वक्त आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम खास खबर, आपके साथ मैं हूं मोहम्मद कमर खान। उत्तर प्रदेश में मिशन 2022 को लेकर सभी राजनीतिक दलों की बात की जाए तो सभी ने कमर कस लिए, मैदान में उतरने की तैयारी की जा रही है, रणनीतियां बन रही हैं, मंथन का दौर जारी है, बैठकें हो रही हैं, चर्चाएं की जा रही हैं। और ऐसे में जिस तरह से जनाधार को लेकर जब जब सवाल किया जाता है तो जनाधार को लेकर यही कहा जाता है कि जिस पार्टी का जनाधार मजबूत होगा सरकार उसी की बनेगी। लेकिन पिछले कुछ सालों से देखा जाए तो बसपा का जनाधार बढ़ने की बजाय लगातार घटता दिखाई दे रहा, और ऐसे में जनाधार का जो ग्राफ है लगातार नीचे आता दिखाई दिया। 2007 से लेकर 2021 तक अब तक की जो स्थिति देखने को मिल रही है बसपा की तरफ से वो यही है कि कहीं ना कहीं जन आधार खोती नजर आ रही है मायावती की पार्टी, और ऐसे में इसके चलते मायावती की पार्टी कमजोर होती नजर आने लगी है, और ऐसे में कई दिग्गज नेता पार्टी का साथ छोड़ते भी नजर आ रहे हैं, जिसके चलते न सिर्फ पार्टी कमजोर हो रही है बल्कि मायावती जो आगामी रणनीति को लेकर आगे बढ़ने की बात कहती दिखाई दे रही है उस पर भी कहीं ना कहीं असर पड़ता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में मानसून सत्र को लेकर सियासी घमासान तेज होता नजर आने लगा। हालांकि अभी मानसून सत्र शुरू होने में तकरीबन 25 दिन का वक्त है, लेकिन उससे पहले ही सियासी माहौल यहां पर बनता नजर आ रहा है। समय अवधि को लेकर विपक्षी सवालिया निशान लगाता दिखाई दे रहा है, और कहा जा रहा है कि मुद्दे कई हैं, वक्त कम है, ऐसे में मुद्दों को लेकर चर्चा ये बहस नहीं हो पाएगी। क्या कुछ माहौल बन रहा है मानसून सत्र को लेकर छत्तीसगढ़ में, और उधर उत्तर प्रदेश में मायावती के गिरते जनाधार के बाद क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है बसपा में, इसी पर करेंगे बात खास खबर में। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिसात बिछड़ने लगी है, हर एक दल अपने अपने स्तर पर रणनीति बनाने में लगा है, तो वहीं बसपा सुप्रीमो ने भी चुनाव को लेकर कमर कस ली है और अपने वोट बैंक को साधने की कवायदों में जुट गई है। बहुजन समाज पार्टी के लिए 2022 का चुनाव कई मायनों में कई सारी चुनौतियां लेकर आ रहा है। सबसे बड़ी चुनौती संगठन को मजबूत करना है जो 2007 के बाद से लगातार बिखर रहा है। वहीं मायावती का वोट बैंक भी अन्य दलों में बढ़ता नजर आने लगा है। उत्तर प्रदेश में 2007 में मायावती ने 202 से ज्यादा आंकड़े से अधिक की सरकार बनाई थी, उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग का नारा दिया था। उस वक्त मायावती का इतना प्रभाव था कि वो अपने दलित वोट बैंक को प्रत्याशी के पक्ष में गठबंधन किया और तो दूसरे दल में ट्रांसफर करने की ताकत भी थी। बात 2012 की जाए तो इस साल मायावती को एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ा और सत्ता से बाहर हो गई। उसके बाद 2014 में लोकसभा चुनाव में तो उनका वोट बैंक बीजेपी की तरफ होता नजर आने लगा और पार्टी की स्थिति कमजोर होती दिखाई दी। 2017 के विधानसभा चुनाव को लेकर बात करें तो बसपा में रही सही कसर पूरी हो गई, बसपा के सिर्फ 19 विधायक ही जीत कर आए। हालांकि मायावती पर पैसे के बदले टिकट देने का आरोप भी लगा। माया के खास नसीमुद्दीन सिद्दीकी, स्वामी प्रसाद जैसे कई नेताओं को बाहर का रास्ता देखना पड़ा। कई विश्वसनीय साथी जैसे जुगल किशोर, इंद्रजीत सरोज, रामवीर उपाध्याय जैसे लोगों ने साथ छोड़ दिया। इसके बाद न सिर्फ छवि धूमिल हुई बल्कि मायावती कमजोर होती नजर आने लगी। लालजी वर्मा, राम अचल और राजभर को लेकर बात करें तो इनके जाने के बाद काफी कुछ बदला सा नजर आने लगा। माना जाने लगा है कि पार्टी की सारी कमान मायावती के बाद सतीश मिश्रा के कंधों पर है जो अब अपर कास्ट में आते हैं। खिसकता जनाधार, जी हाँ, खास खबर में इसी पर बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बसपा को लेकर बात की जाए तो 2007 के बाद लगातार मायावती की पार्टी का जनाधार खिसकता नजर आ रहा है। हालांकि 2007 से लेकर अब तक जिस तरह का माहौल बनता दिखाई दिया बसपा को लेकर, मायावती पर टिकट पैसे के बदले टिकट देने का आरोप लगता रहा और कई दिग्गज नेता धीरे धीरे बसपा का साथ छोड़ते दिखाई दिए, हाथी की सवारी से उतरकर अन्य पार्टियों को ज्वाइन करते दिखाई दिए। और इस खबर पर बात करेंगे, सीधे रुख करेंगे लखनऊ,
न्यूज रूम का हमारे साथ जुड़ गए आरसी भट्ट साहब, उत्तर प्रदेश असिस्टेंट एडिटर। भट्ट साहब, उत्तर प्रदेश में सियासी बिसात बीत चुकी है, मंथन का दौर जारी है, चर्चाएं चल रही हैं, रणनीति पर होमवर्क किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से जब जब चुनावी माहौल बनता है तब तब ये बात निकलकर सामने आती है कि जिसका जनाधार मजबूत है सरकार उसी की बनेगी, लेकिन जिस तरह से जनाधार और वोट बैंक को लेकर बात की जाए तो कहीं ना कहीं बसपा पिछले कई सालों से लेकर अब तक के ग्राफ्स को देखें तो कहीं ना कहीं जनाधार गिरता दिखाई दे रहा है, किस तरह देखें इस बात को? खबर आज पूरी तरह से मायावती पे चर्चा कर रहे हैं जी। और मायावती का जनाधार जिस तरह से दरका है, खिसका है, वो निश्चित रूप से ये बहुजन समाज पार्टी के लिए और खुद मायावती के लिए जो है ये बड़ा ही शानदार रहा है। और जिस तरह से मुलायम सिंह की सरकार जब 2002 के बाद से और 2007 तक रही, तो उसके बाद जब मायावती सोशल इंजीनियरिंग के नाम से सत्ता में आई और कहीं कहीं उनका एक बड़ा जनाधार था, और उससे पहले की अगर हम बात करें तो मायावती तमाम लोकसभा सीटों पर उनका कब्जा था। और जिस तरह से 2007 में सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर वो सत्ता में आई तो उनका उनको एक उनके पास एक भारी बहुमत था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वो बहुमत मायावती का लगातार बना रहा? नहीं, क्योंकि 2012 में अखिलेश यादव ने निश्चित रूप से जो है वो बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई और उसके बाद धीरे धीरे मायावती का जो जनाधार है वो कम होता जा रहा है। 2014 की अगर हम बात करें तो 2014 में मायावती के जो दलित वोट बैंक था वो बीजेपी की तरफ ट्रांसफर हुए लोकसभा के चुनाव में, और उसके बाद 2017 की स्थिति आते आते कहीं ना कहीं मायावती अस्थायी हो गई, केवल 29 विधायक उनके जीतकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दो बार गठबंधन किया, गठबंधन का भी फायदा नहीं पहुंचा उनको, और निश्चित रूप से कहा गया है कि जो इनका देश वोट था दलित वोट बैंक वो धीरे धीरे पूरी तरह से चलने लगा और उनसे छिटकता चला गया। और सबसे बड़ी सवाल यह है कि अब मायावती की स्थिति क्या है? एक समय मायावती पूरे देश में एक बड़ी कद्दावर नेता के रूप में, दलित नेता के रूप में मानी जाती रही है, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे उनका जनाधार कम होता जा रहा है और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अब उतनी प्रभावी नहीं है। अगर हम राज्यों की भी बात करें तो वहां भी केवल पंजाब को छोड़ के, थोड़ा हरियाणा को छोड़ के अन्य राज्यों में अब मायावती का उतना जनाधार नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी इस तरह से उनके भारी कमी आई है, दलित वोट बैंक उनका ट्रांसफर हुआ है, दूसरे जगह गया है, असम गया है, अब उनको एक नेता का बड़ा अंश है। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, मायावती को एक बड़ी चिंता है कि अपनी पार्टी के जो वोट बैंक है जो छिटक गए हैं उनको कैसे जोड़ के रखना, क्योंकि लगातार अगर हम देखें विगत 5 वर्षों में तो एक एक करके चाहे बाबू सिंह कुशवाहा हो, फिर उसके बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो, स्वामी प्रसाद मौर्य, राजेश पाठक, इंद्रजीत सरोज, सुबोध किशोर, और ये लंबी इस तरह से उनके जो हाथ के समान हुआ करते थे इन तमाम लोगों ने कहीं कहीं मायावती का साथ छोड़ दिया है, जिससे उनको ये धीरे धीरे उनका जो एक बड़ा खासतौर पर दलित और पिछड़ों का एक बड़ा तुम्बा था वो धीरे धीरे दिखाने लगा। और अब स्थिति ये आ गई है कि उनके जो सबसे विश्वस्त लालजी वर्मा और राम अचल राजभर है दोनों बहुजन समाज पार्टी में नहीं है, मायावती ने अभी कुछ दिन पहले उनको निकाल दिया है पार्टी से, अब वो भी अब अपनी कोई राह नहीं। तो ये जो सबसे बड़ी बात है मायावती के यहाँ, क्योंकि उनका जो संगठन है बहुजन समाज पार्टी का वो कमजोर होता गया है, और उसके साथ साथ हालांकि मायावती ने बहुत कोशिश की है, तमाम जो जोनल कोऑर्डिनेटर है और रीजनल कोऑर्डिनेटर है उनको बदलने की कोशिश की है, प्रभाव बदलने की कोशिश की है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ग्राउंड लेवल पर जो वोट बैंक अगर आपका खिसक जाता है तो ये तमाम कवायदे बेकार हो जाती है। और एक तो सबसे बड़ी बात है कि मायावती का जिस तरह से जो जनाधार घटा है उसको कहीं कहीं उनके ऊपर एक जो गंभीर आरोप लगे हैं कि वो जब भी चुनाव आते हैं टिकटों का वितरण करती हैं तो वो टिकटों की पार्टी फंड में भर्ती होती है, ये बड़ा आरोप उनके ऊपर लगा। और ये जब उनके सहयोगियों जो साथ थे वो पहले अलग हुई बात थी तो उन्होंने उनके ऊपर एक गंभीर आरोप लगाया जिससे मायावती की छवि को धक्का लगा और उससे कहीं ना कहीं इनकी स्थिति खराब हुई और धीरे धीरे इनके जो विश्वस्त लोग थे वो साथ होते चले गए और धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में जो विभिन्न ग्रामीण क्षेत्र है, विधानसभा है, वहां भी धीरे धीरे इनके जहाँ राज्य सत्ता चला गया और बहुजन समाज पार्टी
कहीं कहीं कमजोर होती चली गई। अब मायावती को बड़ी चिंता है। देखा यह है कि कैसे मायावती अपने आप को उत्तर प्रदेश की सत्ता में फिर से स्थापित कर पाती है या भागीदारी कर पाती है, ये उनके लिए 2022 में बड़ी चुनौती। बिल्कुल 2022 में बड़ी चुनौती है, और चुनौती इस बात को लेकर भी है कि संगठन को मजबूत करना, और इसी मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए उनका जो जनाधार खोया हुआ उसको वापस पाते हुए कहीं ना कहीं सत्ता के लेकर जद्दोजहद करना यहां पर एक बड़ी चुनौती है। लेकिन जिस तरह से भर्जी बात की जाए, 2007 में 200 से ज्यादा संख्या के साथ सरकार बनती है बसपा की, 2012 में एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ता है, सपा की सरकार बनती है, 2014 लोकसभा चुनाव को बात करें, 2019 की बात करें, 2017 विधानसभा चुनाव की बात करें, तो लगातार गिराफ बढ़ने की बजाय घटता दिखाई दिया, कमजोर होती दिखाई दी पार्टी एक के बाद एक। आपने भी जिक्र किया कि कई बड़े नेता जो है हाथी की सवारी छोड़कर अन्य दलों में शामिल होने की बात निकलकर सामने, लेकिन 2022 कई चुनौतियों से भरा हुआ है, वो भी तब जब संगठन कमजोर होता दिखाई दे रहा है, मायावती का जनाधार खोता यहां पर नजर आ रहा है, वो जनाधार, वो वोट बैंक, वो वोट बैंक जो कि दलित मसीहा मानी जाती है, दलितों की नेता मानी जाती है, क्या कहें इसे लेकर? मायावती जब 2007 से 2012 में सत्ता मिलती है तो उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप बहुत लगे हैं। उस सरकार में खासतौर पर हम देखें तो बहुत कई भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। चीनी मिले की तरफ से जाने को अंजाम में भेज दी गई, उसके साथ साथ अंबेडकर पार्क का जो स्मारक है जिसकी अभी जांच चल रही है, जांच काफी हुई है, कई लोग जेल में है और उसमें एक भारी घोटाला हुआ है उसकी भी जांच हुई है। उसके साथ साथ इस तरह से कई घोटाले जो है वो मायावती सरकार के हुए और उसके साथ साथ पीएमओ हत्याकांड जो एक प्रमुख मुद्दा था, मैंने देखा है 2007 से 2012 के बीच में पीएमओ हत्याकांड हुआ था 2009-10 के पीरियड में, तो उस समय मायावती सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगे, उनके मंत्रियों के ऊपर गंभीर आरोप लगे, कुछ इस्तीफा देना पड़ा। तो ये जो सवाल था और वो कहीं ना कहीं मायावती के सामने बड़ा कठिन था, लेकिन फिर भी जो है जी उसके बाद जब चुनाव हुए तो मायावती को पराजित का सामना करना पड़ा और अखिलेश एंटी गवर्नमेंट का सहारा लेकर कहीं ना कहीं मजबूती से उत्तर प्रदेश की सत्ता में आए। लेकिन 2012 से 2017 के बीच में जब फिर चुनाव हुए तो कहीं ना कहीं मायावती उस समय भी कमजोर पड़ी और उसके साथ साथ 2017 में जब चुनाव हुए तब मायावती कमजोर पड़ी और 19 सीटें उनको आई। उसके बीच में लोकसभा की सीटें उनका चुनाव हुआ 2014 में, वहां भी मायावती कमजोर पड़ी। तो ये साफ जाहिर है कि अब कहीं कहीं वो जो करिश्माई उनका मैसेज तो था सभी वोट बैंक के लिए, करिश्माई पूरी तरह से उनका समाज में उनका एक नाम था कि दलितों की सबसे बड़ी नेता है और उनके हितैषी है और उनके हित में काम करती है, तो वो करिश्माई व्यक्ति तो कहीं कहीं धीरे धीरे कमजोर होता चला गया और उनका वोट बैंक भी धीरे धीरे कमजोर होता चला गया और प्रधानमंत्री ने अपनी योजनाएं चलाई जो उन्होंने घोषणा पत्र में वादे किए थे और निश्चित रूप से दलितों ने जो है कहीं कहीं वो निर्णय लिया। और सबसे बड़ी बात यह है दलितों के बारे में जिस तरह से मायावती का पार्टी फंड में पैसे लेने का आरोप है वो एक ही बड़ा मुद्दा रहा है और उससे उनकी छवि को बहुत बड़ा धक्का लगा, लगातार आरोप लगते रहे। जब जब उनके विश्वसनीय व्यक्ति जो उनके खास के समाज में जब पार्टी खोलते थे तो उनके ऊपर गंभीर आरोप लगा पार्टी बना सकती है, क्योंकि अब उनको कहीं ना कहीं जो आंकड़ा है 25 का या 50 का वहां तक पहुंचने के लिए जदोजहद करना पड़ेगा ताकि आगे चलकर जब उत्तर प्रदेश में प्रदूषण की सरकार बने और सहयोगियों की सरकार बने आपके समिति आए तो उसमें एक उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो और उसमें कहीं ना कहीं उनका जो है और पार्टी का जो प्रतिनिधित्व है वो कर सके।
बिल्कुल भरजी, और जिस तरह से 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तो हो रही हैं, लेकिन इन चुनावों से पहले अभी तक जो खास बातें निकलकर सामने आई वो यही रही बसपा की तरफ से कि जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर उम्मीदवार नहीं उतारती। कहा जाता है कि 2022 मिशन पर फोकस किया जा रहा है, इस पर टाइम न लगाने की बजाय उस पर फोकस करते हुए उसमें समय और ताकत लगानी है। इसके अलावा जिस तरह से बात की जाए गठबंधन को लेकर, पंजाब में बसपा का गठबंधन होता है लेकिन उत्तर प्रदेश में गठबंधन करने से मायावती इनकार करती नजर आ रही हैं, वो भी तब पिछले गठबंधनों के जो अनुभव के लिए लगातार बात निकलकर सामने आती रही। तो क्या माना जाए कि एकला चलो की राह की बात जब मायावती करती दिखाई दे रही है, ये उनका आत्मविश्वास है या एक अलग रणनीति का हिस्सा? अमर, अब जो उनके सामने निकल रहा है वो सबसे बड़ी बात ये है कि अपने बिखरते हुए गुंडे को बचाना। इस समय बहुजन समाज पार्टी में जो दूसरे नंबर की स्थिति है उनकी, जो वो है सतीश मिश्रा, जाने माने वकील है और बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख महासचिव है और उसके साथ साथ समाज सांसद है, और इस समय टोटल कहा जाए तो बहुजन समाज पार्टी को ऑपरेट कर रहे हैं, मायावती के विश्वास सलाहकार हैं। अब उनके साथ पूरी कमान है उन लोगों को, खासतौर पर गरीब के साथ जो अपरचास्ते लोग हैं उनको जोड़ने की है, लेकिन वो कहां तक सफल हो पाते हैं ये अभी भविष्य की जानती है। लेकिन मायावती की जो स्थिति है कि अपनी दलित वोट बैंक को पहले मजबूत करना, उसके साथ साथ उसमें अति पिछड़ा और उसके साथ साथ मुस्लिम वोट बैंक को जो है अपने साथ जोड़ना, तब जाके मायावती की कुछ स्थिति सुधरेगी। लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक भी जो है वो खासतौर पर समाजवादी पार्टी का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है और अति पिछड़ा पिछड़ा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के झोली में है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को ये भी वोट बैंक 2017 के चुनाव में नहीं मिले तभी वो 50 का आंकड़ा आगे पार नहीं कर पाए। बहुजन समाज पार्टी विशेष रूप से इन वोटों से महरूम रही है, दलित वोट बैंक नीचे द्वारा, तो ये तमाम वोट बैंक को जब मायावती कहेगी थी और निश्चित रूप से अपने साथ जोड़ेगी तब जाके उनकी स्थिति मजबूत होगी। अभी तो हाल फिलहाल वो मुस्लिम और दलित वोट बैंक पर पूरी तरह फोकस है और आगे इसी एजेंडे को लेकर आगे चल रही है कि ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा सीटें विधानसभा में मिले। बिल्कुल भट्ट साहब, और इस वक्त बसपा को मजबूती की बेहद जरूरत है, जिस तरह से मिशन 2022 को लेकर फोकस करने की बात निकलकर सामने आ रही है, कहीं ना कहीं पार्टी और कार्यकर्ताओं को बूस्ट देने की जरूरत अब महसूस की जाने लगी है, क्योंकि वोट बैंक जनाधार लगातार घटता दिखाई दे रहा है। फिलहाल जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बात की जाए तो मायावती ने शुरू कर दी है फिर से अपने दलित वोट बैंक के साथ मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है। अभी हाल ही में उन्होंने संगठन में बड़ा फेरबदल किया है, कई कोऑर्डिनेटरों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया, लेकिन मायावती का गिरता जनाधार दलित वोट बैंक पर कमजोर पकड़ 2022 के चुनाव में मायावती को कितनी सफलता दिला पाएगा ये तो चुनाव नतीजे ही बताएंगे।